इतना डस्टी टेक्सचर, ओ माय गॉड। देख रहे डस्ट ऑफ, क्या ही मजे का टेक्सचर है। मैं इसको मजीद बढ़ाऊंगी क्योंकि रियो सीमेंट तो ऑलरेडी है, तो बेकिंग सोडा मंगवा के ना हम ऐड करेंगे। प्योर सीमेंट से भी ज्यादा मजे का ये टेक्सचर है, लगता प्योर सीमेंट ही है लेकिन थोड़ा सा क्रंची और डस्टी ज्यादा हो जाता है। ओके जी, बहुत ज़्यादा डस्ट प्ले कर ली है, अब यहाँ पे थोड़ी सी डर्ट की क्रमलिंग करते हैं। बहुत मजे का टेक्सचर है ये भी, इसकी डस्ट बड़ी मजे की है। इसकी डस्ट इतनी है, मैं सारी भर गई हूँ डस्ट से। चलिए एक दो जो है वो हम इसमें क्रम्बल करते हैं।
चलें जी। बहुत ज़्यादा मैंने डस्ट उड़ा दिया और इतना ज़्यादा टेक्सचर जो है वो इधर उधर फैल गया, लेकिन मैंने जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए किया ताकि आप लोगों को सेटिस्फाई लगे। सो उम्मीद है कि आप लोगों को बड़ा मज़े का लगा होगा। सो मैं सारी जो है वो डस्ट से भर गई हूँ। चले देखें डस्ट चेक करें, लेकिन कोई नहीं, मैं इसको बाद में समेट लूँगी। अब जो है वो हम इस टेक्सचर्स को इकट्ठा करते हैं, ब्रश लेके आती हूँ, उसके बाद ब्लॉग जो है वो मैं एंड करती हूँ। ये देखिए इसके ऊपर भी डस्ट चली गई है। अभी भी मेरा दिल नहीं भरा इतनी डस्ट उड़ा के कि मैं अब इस टेक्सचर को भी उड़ाने लग गई हूँ। चलें जी, साथ ही अब इस टेक्सचर्स को भी इकट्ठा कर ही लेते हैं। चलें जी, अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। अभी ये इतना लंबा ब्लॉग हो गया कि दो पार्ट में आएगा। सो उम्मीद है कि आप लोगों को ये मज़ेदार सी क्रम्बलिंग प्लस क्लीनिंग और शेप मेकिंग सब मिक्स था इस ब्लॉग के अंदर आपको अच्छा लगा। सो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में लाजमी याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।